देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हैं, जहां पर पीएम ने एक रोड शो किया, जिस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर पीएम का स्वागत करते नजर आए। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के छठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी के साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला। पुरुलिया पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी ये कहकर राजनीति में आई थी कि मां माटी मानुष की रक्षा करेगी, और आज टीएमसी मां माटी और मानुष का ही भक्षण कर रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। टीएमसी ये कहकर राजनीति में आई थी कि मां माटी मानुष की रक्षा करेगी, आज टीएमसी मां माटी मानुष का ही भक्षण कर रही है। बंगाल की महिलाओं का भरोसा टीएमसी से टूट गया है। संदेश खाली में जो पाप हुआ है उसने पूरे बंगाल की बहनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एससी एसटी परिवार की बहनों को तो टीएमसी के लोग इंसान ही नहीं समझते, अपने शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी के लोग संदेश खाली की बहनों को ही दोषी ठहरा रहे हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। जैसी भाषा ये लोग उनके लिए बोल रहे हैं, इसका जवाब बंगाल की हर बेटी, बंगाल की हर बेटी अपने वोट से टीएमसी को तबाह कर देगी। और बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश की धरती पर गए थे, जब वो भारत की बात करते थे तो लाखों लोग उनके भक्त बन गए थे। हर एक पर एक वर्ग ऐसा भी था जिसको भारत से नफरत थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का खूब अपमान किया, अरे धमकाने की कोशिश की, पर स्वामी विवेकानंद मां भारती का मिशन लेकर निकले थे, वो कहां डरने वाले थे। आज ऐसा ही बंगाल की धरती पर हो रहा है। चुनाव में बंगाल के लोगों को डराने धमकाने हिंसा कराने वाली टीएमसी सरकार ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। आज देश और दुनिया में इस्कॉन हरे कृष्ण हरे राम वाले, फिर रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था, और भारत सेवाश्रम संघ सेवा और सदाचार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं आज यहां से अखिलेश यादव और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि 10 सालों तक आपकी सरकार रही, 10 सालों में आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया। उन्होंने 10 साल में उत्तर प्रदेश को 4,90,000 करोड़ रुपए दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,11,000 करोड़ रुपए दिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं आज यहां से अखिलेश यादव
और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आपकी सरकार रही, 10 साल में आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? भाइयों बहनों हिसाब ही नहीं देते, मगर मैं भी बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं आज, तो बता दूं क्या? बताओ तो ध्यान से सुनना, उन्होंने 10 साल में उत्तर प्रदेश को 4,90,000 करोड़ रुपया दिया, 10 लाख में 4, और मोदी जी ने 4,90,000, कांग्रेस ने दिया, और मोदी जी ने 10 साल में 19,11,000 करोड़ रुपया दिया, 19,11,000 करोड़, एक्सप्रेसवे, मेट्रो ट्रेन, एयरपोर्ट, डिफेंस का, मैन्युफैक्चरिंग का पार्क, टॉय पार्क, टेक्सटाइल पार्क, मेगा फूड पार्क, प्लास्टिक पार्क, ढेर सारे उद्योग लगाने के। और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले पर सियासी तूफान खड़ा हुआ है। मारपीट के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी और पूर्व पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद आप सड़क पर उतर आई है, और खुद अरविंद केजरीवाल बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन के लिए निकले हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी आपको खत्म करना चाहती है और उनके नेताओं को जेल में डालने की कोशिश में लगी हुई है। इस बीच दिल्ली पुलिस सीएम आवास पर पहुंची और सीसीटीवी डीवीआर जब्त कर निकल आई। एसएचओ सिविल लाइंस के साथ साथ पूरे केस को लीड करने वाले अतिरिक्त डीसीपी नॉर्थ पहुंचे थे। विभव अभी साथ में नहीं था, उम्मीद की जा रही है उनको भी सीएम हाउस लाया जा सकता है। और लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण से पहले पोलिंग पार्टियां मतदान उपकरणों के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण में सोमवार 20 मई को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण से पहले पोलिंग पार्टियां मतदान उपकरणों के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बयान दिया और कहा, कल 20 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा, सभी वोटर्स मतदान करें। आज सभी पोलिंग पार्टियां मतदान उपकरणों के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी, वोटर्स को कोई असुविधा ना हो इसके लिए सभी बूथों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में राजधानी समेत 14 सीटों पर कल मतदान होना है, जिसकी प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के टिकट पर तो रविदास मेहरोत्रा की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। लखनऊ पूर्व विधानसभा के लिए कल ही उपचुनाव होगा, यह सीट भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक आशुतोष टंडन गोपाल के निधन के बाद खाली हुई है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि भाजपा नेता मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल उस व्यक्ति को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं जिसने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है। अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? वे विभव कुमार को बचाने की कोशिश आखिर क्यों कर रहे हैं? उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी नष्ट कर दिया, इतनी बड़ी साजिश क्यों की गई है? बुरी तरह पिटाई करने वाले का पक्ष लेता हुआ खड़ा हो रहा है। दिल्ली में कोई भी यह सोच नहीं सकता था, क्योंकि जब इसी दिल्ली ने एक बहुत ही दर्द भरी
बहुत ही नृशंस एक घटना झेली थी, निर्भया कांड। तो उस निर्भया कांड में जब दिल्ली और देश का दिल हिल गया था, तब वही व्यक्ति उसमें यह दिखा था कि वो महिला सुरक्षा के पक्ष में कुछ बातें कर रहे थे, और आज वही अरविंद केजरीवाल एक महिला को पीटने वाले को बचाने के लिए, उसको सजा न हो इसके लिए आज सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली को जोर जोर से बुला रहे हैं। हालांकि आया तो कोई नहीं, क्योंकि मैं भी अभी उस तरफ से आ रहा था तो मैं देख रहा था कि ठीक है, कुछ मीडिया के भी बहन तो थे मगर आदमी नहीं थे, और न तो आने वाले हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि उस दिन अरविंद केजरीवाल के राजमहल में अपने घर में स्वाति मालीवाल के साथ हुआ क्या, ये जानना चाहते हैं। आज दिल्ली और दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे क्यों नहीं बोल, वो सिर्फ उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं जो पीटने का आरोपी है, उसके ऊपर FIR हुई है, उसको सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी भी, ऐसा दिल्ली के लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे अरविंद केजरीवाल, और केजरीवाल उस व्यक्ति को जिसका नाम विभव है, जो उनका PA है, उसको बचाने में क्यों लगे हैं, क्या है वो मजबूरी जिसके कारण वो एक महिला जो एक माननीय सांसद भी है, और हमारे लिए इट डजेंट मैटर कि वो कौन है, एक महिला है वो दिल्ली की, उसको पीटने वाले व्यक्ति को बचाने में इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं। और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में NDA प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने जनसंपर्क किया, पटना के सलीमपुर आहारा में आम कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया, साथ ही कहा कि एक बार फिर से PM मोदी की सरकार बनने जा रही है, और एक कानून मंत्री के रूप में के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। तो अपने सरकार ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा, चाहे वो करोड़पति हो या फुटबॉल कभी हो, मोदी ने कहा सबको दो, तो हेल्थ केयर का बड़ा प्रोग्राम, मेडिकल केयर, मेडिकल स्किलिंग, ये सब का बड़ा काम, और भारत कैसे और बने हेल्थ केयर का बड़ा सेंटर। अच्छा लगता है, कल मैं घूम रहा था, मुझे मालूम हुआ कि आजकल विदेशों से लोग यहाँ पर ऑपरेशन कराने आते हैं, तो और काम करेंगे, तो बहुत कुछ काम करना है। और संजीव बाबू, आपकी सड़क भी बने हैं, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, समझेगा। और आपको बता दें, उत्तराखंड के DGP अभिनव ने बयान दिया और कहा कि चारधाम यात्रा का आज दूसरा दिन है, मैं तीर्थयात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने आया हूं, इस बार अप्रत्याशित भीड़ आ रही है, यहां सभी विभागों की टीमें समन्वय बनाकर काम कर रही हैं। आज चारधाम यात्रा का केदारनाथ धाम के कपाट खुले हुए 10वां दिन है 2024 की चारधाम यात्रा का, और इस अवसर पर मैं स्वयं आज सुबह आया था यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने, और इस बार अप्रत्याशित अभी तक भीड़ आई है श्रद्धालुओं की, और डेली लगभग 30,000 से भी अधिक श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके जा रहे हैं, और निश्चित रूप से ये यहाँ पर जो भी मंदिर की सारी व्यवस्था से जुड़ी हुई सारी एजेंसीज हैं, चाहे वो बद्री केदार मंदिर समिति हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस विभाग हो, हमारा NDRF हो, SDRF हो, ITBP है, और जितने भी स्वास्थ्य विभाग। और आपको बता दें कि रायसेन जिले के उदयपुरा के निवासी एक छात्र का शव इंदौर में फंदे पर संदिग्ध हालत में लटका मिला। 21 साल का छात्र पुनीत दुबे इंदौर में रणजीत सिंह कॉलेज में BSc सेकेंड ईयर का छात्र था, उसका शव खड़वा
नागा इलाके में एक कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। हैरानी की बात यह है कि उसने महिलाओं की तरह साड़ी पहन रखी थी और मेकअप भी किया था। उसके दोनों हाथ बंधे थे, आंखों पर पट्टी भी बंधी थी और शव के पास खून बिखरा पड़ा था। बहरहाल पुनीत ने सुसाइड किया है या उसे मारकर लटकाया गया है, दोनों ही पहलुओं पर जांच की जा रही है। और आपको बता दें कि अगली खबर नर्मदापुरम के पीपरिया थाना क्षेत्र से सामने आई, जहां एक 8 साल की नाबालिग लड़की ज्वार विसर्जन के दौरान अचानक लापता हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पीपरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली मधुर मेहरा, जो कि ज्वार विसर्जन के लिए अपनी बेटी को लेकर गए हुए थे, विसर्जन के बाद बेटी नहीं मिली तो ससमय याद आया, जिसकी सूचना साड़िया चौकी को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौका स्थल पहुंचकर घटना की जानकारी प्राप्त की, जिसमें विसर्जन के दौरान एक बच्ची के लापता होने की जानकारी मिली। चौकी प्रभारी किशन उड़के के अनुसार घटना की जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत मौके पर स्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी लेकर बच्ची को ढूंढने के लिए सर्चिंग शुरू किया। वहीं सुबह नाविक ने सूचना दी कि सोराघाट पर एक बच्ची का शव नर्मदा नदी में देखा गया, जिसके बाद बच्ची की पहचान परिजनों द्वारा की गई। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। सर, एक बच्ची घूमने का मामला आया है, कल आया था। तो वो चूंकि ग्राम खापरखेड़ा के रहने वाले थे, दिव्या था बच्ची का नाम, दिव्य पिता मधुर मेहरा निवासी खापरखेड़ा, उम्र 8 साल की थी। वो अपने माता पिता के साथ और अन्य परिवार के साथ, परिजनों के साथ जवारी विसर्जन कराने आई थी नर्मदा घाट। नहाने के दौरान क्या हुआ कि परिवार वालों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, परिवार के सभी लोग नहाकर निकल गए बाहर। करीब 2 घंटे बाद परिवार वालों का ध्यान गया उस बच्ची की ओर, तो बच्ची उनको नहीं मिल पाई। उसके बाद पुलिस लगातार तलाश करते रही। आज सुबह सर्रा घाट पर उस बच्ची का शव प्राप्त हुआ है, जिसकी कार्रवाई। और अगली खबर एमपी के शिवपुरी जिले से है, जहां के कालारस में अनाज मंडी में एक किसान के ट्रॉली में भरी सरसों के फसल के अंदर सरसों जैसी दिखने वाली काली मिट्टी से भरी बोरियों को व्यापारियों ने पकड़ लिया। इसके बाद व्यापारियों ने मंडी में लग रही डाक को बंद कर दिया, साथ ही किसान को पकड़कर मंडी कर्मचारियों के सपुर्द कर धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार बमार कला का रहने वाला किसान सिरनाम रावत अपनी सरसों की फसल को लेकर कोलारस अनाज मंडी पहुंचा था, जहां डाक के दौरान व्यापारियों ने ट्रॉली पर पहुंचकर सरसों की क्वालिटी चेक की। इस दौरान व्यापारियों को ट्रॉली में छुपी सरसों जैसी दिखने वाली काली मिट्टी की 2 बोरी मिली। व्यापारियों ने किसान पर धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए मंडी में हंगामा करते हुए डाक लगाना बंद कर दिया। व्यापारियों का आरोप था कि इस प्रकार के किसान उनके साथ छलावा करते हैं। डाक लगने के बाद किसान द्वारा ट्रॉली में भरी सरसों को खाली करते वक्त उन बोरियों को मिला दिया जाता है, जिससे व्यापारियों को नुकसान होता है। वही किसान सिरनाम रावत का कहना था कि वह बोरियों में सरसों को भरकर तेल निकलवाने के लिए लाया था। इकट्ठे कराने के लिए किसान फ्रॉड कर रहे हैं, किसान फ्रॉड है और गाय। तो उसमें क्या कितने कट्टे थे? उसमें 2 निकले, उसमें अंदर हो तो कोई मामला नहीं। अंदर था भाई, क्या था उनमें? वो दो कट्टों सरसों है, दबी भाई ऐसी हल्की है, खराब खराब मिट्टी जैसी। आप लोग कैसे आ रहे हैं? मंडी में ना मिलावट ना हो, किसान व्यापारी लुटाना। तो वो कट्टों में जो सरसों में खराब मिलाओ पूरा, उसका कलर खराब था, बना दिया पूरा, जब मिला भी बुलाओ, लेकिन वो बाहर मिलाना नहीं था। वो तो मैं करा दी, जो अलग बाजार में दे देता हूँ, ये 2 कट्टे रख लाऊ। और रुक करते हैं अगली खबर की और, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस ने एक कार्रवाई की, जिसमें पुलिस द्वारा 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया है। बदमाशों के पास से 3 अवैध हथियार समेत 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इनमें से एक आरोपी अवैध हथियार बनाने का काम करता था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। SDPO टीकमगढ़ राहुल कंटेन ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बस स्टैंड से सागर बाईपास पर 2 बदमाश वारदातों को अंजाम देने की मंशा से इलाके में घुस रहे थे।
पुलिस ने टीम का गठन किया और टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि शिवपुरी जिले के फतेहपुर क्षेत्र में नाली में से एकाएक गैस लीक से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जिसके बाद मौजूद लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन के आला अधिकारियों को दी, जहां पर मौके पर पहुंचे प्रशासन के आला अधिकारी और फायर ब्रिगेड एक्शन मोड में दिखे। वही थे गैस कंपनी अधिकारी इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें एक साल पहले भी थिंग गैस में हुए रिसाव से 3 लोगों की जान चली गई थी। और एमपीवी का एक पोल है, उस पोल पे करंट लीकेज की समस्या सामने आई है और करंट लीकेज का समाधान ये लोग कर रहे हैं। इनकी टेक्निकल टीम जो खंबा है वो करंट लीकेज की वजह से गर्म होकर और नीचे चूंकि पानी के कॉन्टेक्ट में है तो उससे भाप निकल रही है। सर, पूर्व में भी इसी स्थान पर एक बार इस तरह का घटनाक्रम हो चुका है जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है, तो प्रशासन आज किस तरह की सावधानी बरत रहा है? और आपको बता दें मुंगेर लोकसभा चुनाव में हुई धांधली को लेकर राजद ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुंगेर से उम्मीदवार समेत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनता आनंद सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा और पार्टी के तमाम बड़े नेता नजर आए। मैं एक तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सवाल प्रधानमंत्री जी से आप पूछते तो बेहतर होगा। ना मैं उनके दल का हूं ना उनका कार्यक्रम निर्धारित करता, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये बंटवारा बिहार में हुआ, जिसके आधार पर धीरे धीरे ये धार्मिक उन्माजी इस देश के ऊपर शासन कर रहे हैं। इन्होंने अनजान में एक अपनी पूरी चेतना रह गई। आज बिहार के मुख्यमंत्री लव कुश के नाम पर बने हैं, उनका कोई योगदान नहीं था। श्री नीतीश कुमार आज तक कभी भी कुछ कमाया नहीं, दूसरे के द्वारा आर्थिक यश का प्रयोग किया है। यहाँ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे बिहार की जनता प्रभावित हो, लेकिन वरिष्ठ और आपको बता दें कि छपरा पहुंचे राजद नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा, कहा कि सरकार ने 5वें चरण के मतदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है, केवल झूठ बोलने का कार्य किया है। आगे बोला कि युवाओं को रोजगार देंगे, क्या हुआ? काला धन वापस लाएंगे, क्या हुआ? किसानों का कर्ज माफ होगा, महंगाई कम होगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। राजदाब रूडी जी पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सारण में जो कार्य दिख रहा है वो विकास मेरे पिताजी का किया हुआ है या मेरा किया हुआ है, लेकिन वो बताएं 10 सालों में उन्होंने क्या किया है, जांच कर लीजिए। इसलिए रोहड़ी आचार्य को जनता जनार्दन वोट करे, जिससे बिहार सारण का विकास हो सके। अगला 20 तारीख को सारण में चुनाव होने जा रहा है और पूरे देश में जो माहौल है, देश की जनता खासतौर की बिहार की जनता सवाल पूछ रही है कि 10 साल में बिहार के लिए क्या किया गया। प्रचंड बहुमत बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीटें भाजपा को देने का काम किया गया और प्रधानमंत्री जी ने कई एक वादे बिहार के लिए किया। हम तो उनका टेप रिकॉर्डर भी लेके साथ में चलते हैं, जो जो वादे उन्होंने किए थे उसमें सबसे पहला किया गया था बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे, बंद चीनी मिल को जो है वो चालू कराएंगे, कई एक वादे जो हैं उन्होंने कहा देश भर में कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, किसानों का आय दोगुना करेंगे, सब पक्का मकान बना देंगे, काला धन लेके आएंगे, एक भी बात।
और मध्य प्रदेश के दमोह में गांधी चौक के पास हॉकगंज बराड़ा में ब्रिटिशकालीन 3 गेट बने हुए हैं, जहां एक गेट के पास किसी व्यक्ति द्वारा भवन निर्माण के काम को लेकर गेट के पास खुदाई की जा रही थी, तभी ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक धरोहर गेट धाराशाही होकर गिर गया। वहीं रात के समय गेट के पास की जा रही इस खुदाई के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरे मामले की जांच के लिए राजस्व अधिकारी, पुलिस बल और नगर पालिका की कर्मचारी मौके पर पहुंचे। बाकी एसडीआरएफ की जो टीम है वहाँ पर जो है जांच कर रही है, और चूंकि ये बीच बाजार में ये होने के कारण हम और रेस्क्यू का कार्यक्रम भी चल रहा है। जैसे ही रेस्क्यू का काम पूरा होता है उसके बाद पता चलेगा कि क्या कोई और जानकारी है और कोई मैटर। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज पर। नमस्कार।